हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट इन दिस सीरीज देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जिन्हें हम V1 V2 एंड V3 यानी कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं अभी मैं आपको कुछ कॉमनली यूज वर्ब्स की थ्री फॉर्म्स बता रही हूँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रन रन का मीनिंग होता है भागना उसकी सेकेंड फॉर्म होती है रैन और थर्ड फॉर्म होती है रन नेक्स्ट है सिट सिट का मीनिंग होता है बैठना उसकी सेकेंड फॉर्म है सैट और थर्ड फॉर्म भी सैट ही होती है ठीक है अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लीप स्लीप का मीनिंग होता है सोना इसकी सेकेंड फॉर्म होती है स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट ही होती है अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्वीप स्वीप का मीनिंग होता है झाड़ू लगाना या सफाई करना तो यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म है स्वेप्ट और थर्ड फॉर्म है swept, दोनों सेम है स्लीप स्वीप दोनों सेम लग रही है देखो स्लीप का स्प्ट स्प्ट है और स्वीप का स्वेप्ट स्वेप्ट है नेक्स्ट देखते हैं स्विम स्विम का मीनिंग होता है तैरना और सेकेंड फॉर्म है स्वैम और थर्ड फॉर्म है स्वम नेक्स्ट है सी सी का मीनिंग होता है देखना और सेकेंड फॉर्म है सौ और थर्ड फॉर्म है सीन अब हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ब ये जो वर्ड है सी ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज वर्ब है इसे आपने अच्छे से सारी की सारी वर्ब जो है आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है नेक्स्ट है सेल सेल का मीनिंग होता है बेचना सेकेंड फॉर्म है सोल्ड और थर्ड फॉर्म है सोल्ड नेक्स्ट है स्मेल स्मेल का मीनिंग होता है कुछ स्मेल करना सूंघना और इसकी सेकेंड फॉर्म है स्मेल्ड और थर्ड फॉर्म होती है स्मेल्ड दोनों ही सेम है देखिए सेल सोल्ड सोल्ड दोनों की सेम है वी टू एंड वी थ्री और स्मेल में भी दोनों सेम है यानी कि स्मेल्ड स्मेल्ड तो जहाँ पर भी सेम होती हैं आपको ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है उसे लर्न करने के लिए नेक्स्ट देखते हैं स्पेंड स्पेंड का मीनिंग होता है ख़र्चा करना और इसका इसकी सेकंड फॉर्म है स्पेंट और थर्ड फॉर्म भी स्पेंट ही है स्पेंड का मीनिंग समय बिताना भी होता है ठीक है दो मीनिंग होते हैं इसके स्पेंड का मीनिंग होता है खर्चा करना मनी स्पेंड करना और समय बिताना स्टैंड स्टैंड का मीनिंग होता है खड़े रहना और उसकी सेकेंड फॉर्म है स्टोड और थर्ड फॉर्म होती है स्टोड ठीक है दोनों सेम मैंने देखिए स्पेंट 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 और स्टैंड का है स्टोड स्टोड नेक्स्ट है स्टील स्टील का मीनिंग होता है चुराना सेकेंड फॉर्म है स्टोल और थर्ड फॉर्म है स्टोलन टेक टेक का मीनिंग होता है लेना सेकेंड फॉर्म है टुक और वी थ्री यानी कि थर्ड फॉर्म है टेकन ये भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज वर्ब है टेक टेक का मीनिंग होता है कुछ लेना सेकेंड फॉर्म टुक होती है और थर्ड फॉर्म टेकन होती है तो अब हम देखें कुछ और वर्ब्स इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट है टॉक टॉक का मीनिंग होता है बात करना सेकंड फॉर्म है टॉक्ड और थर्ड फॉर्म टॉक्ड है नेक्स्ट है टेल टेल का मीनिंग होता है कुछ बताना और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड है अब हम देखेंगे कुछ और देखिए टॉक और टेल में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है टॉक का मीनिंग होता है बात करना और टेल का मीनिंग होता है कुछ बताना नेक्स्ट है थिंक थिंक का मीनिंग होता है सोचना और सेकंड फॉर्म है थॉट थॉट का सेकंड फॉर्म थॉट है और थर्ड फॉर्म भी थॉट ही है ठीक है देखिए दोनों सेम है थॉट एंड थॉट सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टू डेज लेसन आपको वीडियो कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन इससे मिली कुछ की नहीं आपको अच्छे से लर्न करना है इन सबको ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन डन इट येट सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू